दोस्तों, शेरों का हमला वाकई में जंगल के सबसे बेहतरीन या उम्र हमलों में से एक होता है। और एक बार शेर ने अगर अपनी वहशी या गंदी नजर किसी जानवर के ऊपर गड़ा ली तो समझो उसके वाट लगना तय है। और आज हम इस वीडियो में शेर के इसी दरिंदेपन को भी देखेंगे। अब दोस्तों, इस पहली क्लिप में ये बेचारा इम्पाला इस कीचड़ में फंस जाता है और कीचड़ में फंस कर शेर का काम ये इम्पाला और भी आसान कर देता है, जिसके बाद एक ही हमले में शेर इम्पाला का काम तमाम कर देता है। और यहाँ तो शेर इस विल्डर बीस्ट को पहाड़ भी चढ़ने का मौका नहीं देता। मतलब विल्डर बीस्ट में रेस होती रहती है कि कौन चढ़ेगा, और इसी बीच शेर किसी रेफरी की तरह बीच में आ धमकता है, जिसके बाद रेस खराब न हो इसलिए एक विल्डर बीस्ट अपनी जान देकर इस रेस की गरिमा को बचा लेता है। दोस्तों, अब ये है शेर का बदला एक हिप्पो से। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि हिप्पो जंगल में पाए जाने वाले बहुत ही खतरनाक जानवरों में से एक है, जो कि शेर को उसकी नानी याद दिला दे, क्योंकि इनका इतना बड़ा मुंह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जो किसी भी जानवर के सर को तरबूज की तरह चूर चूर कर सकता है। लेकिन यहाँ इन शेर ने पता नहीं कैसे इन हिप्पो का काम लगा दिया, और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और यहाँ तो जब ये हिरन पानी पी रहा था तो अचानक से बहुत ही ज्यादा तेजी में एक शेर आता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने के चक्कर में शेर फिसल कर कुछ दूर चला जाता है, जिसकी वजह से हिरन को वहाँ से भाग निकलने में अच्छा खासा समय मिल जाता है। और इस क्लिप में तो शेर मिलकर एक अच्छे खासे जिराफ को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, हमें अच्छे से पता है कि चीता बहुत ही तेज दौड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब मौत होनी होती है तो आपकी काबिलियत आपके काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। दोस्तों, ये घास में बैठा चीता पता नहीं क्या सोच रहा था कि शेर के इतने करीब आने पर भी ये बड़े आराम से बैठा हुआ था। और फिर क्या था, चीते का मुंह शेर के मुंह में, लेकिन चीते ने अपने आप को शेर से बचाने की कोशिश बहुत की, जैसे कि अपने पैरों से शेर के मुंह को रोका, लेकिन शेर इससे और गुस्से में आ गया। बाकी आप तो जानते ही हैं। अब यहाँ झाड़ में जब ये हाथी का बच्चा झुंड से अकेला खो जाता है तो इस शेर की गंदी नजर इस हाथी के बच्चे पर पड़ जाती है, और हाथी के बच्चे को भी ये बात अच्छे से पता होती है कि शेर इस पर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले हाथी वहाँ से भाग पाता, उससे पहले शेर हाथी पर हमला कर देता है। झपकते ही शेर हाथी को जमीन में गिरा देता है। वैसे दोस्तों, शेरों की इतनी औकात तो नहीं कि वो किसी हाथी को मार गिराए, लेकिन क्या करे, ये बेचारा बच्चा था, और देखते ही देखते शेर के पूरे परिवार ने इस बेचारे हाथी को चारों तरफ से काटना शुरू कर दिया, और बाकी तो आप फिर जानते ही हैं। अब दोस्तों, इस शेरनी को देखो जिसने बैठे बैठे ही शिकार को ढूंढ लिया। दोस्तों, इस शेरनी ने अपने तेज नजर से इस दूर खड़े जंगली सुअर को पल भर में देख लिया, जिसके बाद पूरी फुर्ती से शेरनी इस सुअर पर कूद पड़ती है, और सुअर गुलाटिया खा खा कर चारों खाने चित्त हो जाता है। अब इस तेंदुए की हालत देखो, क्योंकि ये तेंदुआ इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि इसके दिन पूरे हो चुके हैं, और अब इसे इन मर्दों से यमराज भी नहीं बचा सकते, इसलिए लड़ने की जगह तेंदुआ लेटकर अपने प्राणों को स्वयं त्यागने की कोशिश करता है। लेकिन शेर इस तेंदुए से इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनमें से एक शेर ने आखिर इसकी गर्दन पकड़ कर तोड़ ही दी। इस शेरनी को देखकर कोई भी कह देगा कि ये शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि आगे की तरफ झुके हुए इसके कंधे इस बात को साफ जाहिर कर रहे हैं कि शेरनी शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनका ये पोस्चर तभी बनता है जब शेर अपने शिकार पर निकलते हैं, जहां ये शेरनी पहले तो दबे पांव आगे बढ़ती है, और फिर हिरण के बच्चे के नजदीक जाते ही एक ही छलांग में उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही शेरनी इस छोटे से जानवर की गर्दन को पकड़ती है तो वो तुरंत पैरालाइज हो जाता है, और बिना किसी मेहनत के शेरनी अपने शिकार में सफल हो जाती है। यहाँ पर शेर अकेले ही आलसियों की तरह घास पर लेटा हुआ था और आसपास की चीजों को देख रहा था। तभी भैंसों का एक पूरा झुंड कुछ ज्यादा ही क्यूरियस होकर आलसी शेर की तरफ बढ़ता है, ये सोचकर कि भला ये लेटा हुआ शेर क्या ही कर लेगा। पर तभी शेर अपने असली रंग में आता है और इन सभी को चकमा देते हुए इन भैंसों का पीछा करने लगता है, जिसे देख सभी भैंसे भागने लगती है, और ये गुस्सैल शेर इनमें से एक को पकड़ कर किनारे ले जाता है। दोस्तों, शेर इस भैंस को पकड़ते ही इसकी गर्दन दबोचने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर लटक लेता है, लेकिन ये भैंस भी आखिरी दम तक अपने आप को बचाने में लगी रहती है। पर शेर की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अंत में हार मानकर भैंस शांत हो जाती है और शेर उसकी गर्दन दबोचकर उसे मार डालता है। अब आप ये नजारा देखिए, जहां पर शेरनी आसपास के पूरे एरिया पर नजर दौड़ा रही है,
तभी उसे ज़ेब्रा दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, जिसके बाद शेरों का झुंड ये तय करता है कि अब यही उनका शिकार बनेंगे। ज़ेब्रा खतरे की भनक लगते ही अपने पैरों से धूल उड़ाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन शेर भी उन सभी में से सबसे कमजोर के ऊपर अपनी नजर गड़ाए भागना शुरू करते हैं। तभी एक शेर पीछे से ज़ेब्रा के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन ज़ेब्रा की एक लात पड़ते ही शेर की ग्रिप टूट जाती है और ज़ेब्रा भागने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी इन शेरों से तेज नहीं भाग पाता और ये सभी शेर मिलकर ज़ेब्रा पर हमला कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मगरमच्छ के इस बर्ताव से शेर शांत नहीं बैठने वाले थे, उन्होंने भी हमला करने का निर्णय लिया। तभी तो उनमें से एक शेर मगरमच्छ के ऊपर जाकर बैठ गया और उसकी गर्दन पर वार करने लगा, जिसके बाद बाकी के दो शेर भी आए और मिलकर इन तीनों ने मगरमच्छ के ऊपर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे एक शेर जंगली सुअर को पूरी तरह से घायल करने में लगा हुआ है। वहीं कुछ फीट की दूरी पर एक लकड़बग्घा खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वैसे तो लकड़बग्घों को भी शिकार करना पसंद है, लेकिन उन्हें शिकार करने से ज्यादा दूसरों के शिकार को चोरी करना पसंद है, जहां अक्सर हायना अपने झुंड का फायदा उठाकर कई सारे शिकारी जानवरों के मुंह का निवाला छीन कर ले जाते हैं। लेकिन यहां पर तो ये अकेला ही शेर के शिकार को उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में तो शेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हायना अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगा, तभी शेर ने अपने शिकार को एक तरफ किया और हायना के ऊपर ही हमला करने लगा। ये शेर वाइल्ड बीस्ट के झुंड को देखते ही उनके पीछे भागना शुरू कर देता है और शेर को अपने सामने आता देख सभी जानवर धूल उड़ाते हुए भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही धूल हटती है, आप देख सकते हैं कि शेर के चंगुल में उसका शिकार ऑलरेडी आ चुका है, जहां शेर ने एक बेबी वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को बहुत तेजी से पकड़ रखा है, क्योंकि शेर की नजर उनमें से सबसे कमजोर जानवर पर थी और शेर को आसानी से अपना शिकार मिल गया। लेकिन इस बच्चे को मारना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भले ही ये छोटा हो, पर इसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी और शेर के हमले का विरोध करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। पर ये जानवर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शेर के नुकीले दांतों के आगे इसकी कोई औकात नहीं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जिराफ चारों तरफ से शेरों के झुंड से घिरा हुआ है। 10 से भी ज्यादा संख्या में ये शेर जिराफ के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके पैरों पर मिलकर वार करते हैं, ताकि कैसे भी करके एक बार ये जिराफ जमीन पर गिर जाए, क्योंकि शेर हमेशा अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसे मारते हैं। लेकिन जिराफ की गर्दन ऊंची होने की वजह से इनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। पर इन लोगों ने तो आज ठान ली थी कि इस बड़े से जानवर को मार कर ही छोड़ेंगे। तभी तो इनमें से एक शेर जिराफ की पीठ पर चढ़ जाता है और ना चाहते हुए भी जिराफ जमीन पर गिर गया। अब इसके बाद की पूरी कहानी शेरों के कब्जे में होती है, जहां वो जैसे चाहे वैसे जिराफ पर हमला कर सकते हैं। ये तो आप भी समझ गए होंगे कि शेर अपने शिकार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, जितना कमजोर शिकार उन्हें मिल जाए उतना ही अच्छा है। तभी तो ये शेर जैसे ही एक लकड़बग्घे के बच्चे को खेलते देखता है, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और बिना किसी रहम या दया के शेर इस छोटे से बच्चे को अपने दांतों से दबाकर बड़े आराम से झाड़ियों के बीच चला जाता है, ताकि बिना कोई डिस्टरबेंस आराम से अपना भोजन कर सके। यहाँ पर शेर ने एक छोटे से हिप्पो को अपना शिकार बनाया, जो साइज में तो शेर से थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ताकत के मुकाबले शेर के सामने कुछ भी नहीं। तभी तो शेर दौड़ते हुए आता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है। हिप्पो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और शेरों को पलटकर उसकी गर्दन नोचने लगता है। ये शेर अपना खूनी खेल खेलने में लगा ही था कि तभी दूसरा शेर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर इस हिप्पो को बड़े आराम से खाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे जंगल का राजा शेर अपना आतंक फैला कर रखता है। अब आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।